मिलती है और आप बहुत खुश होते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको पता चलता है कि अब नौजिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, खाना पीना मुश्किल हो रहा है। और कई लेडीज को तो सुबह उठते उठते ही उबाकी आने लग जाती है और उनका पूरा दिन खराब हो जाता है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर के पास आके तुरंत लेडी का एक ही सवाल होता है जो पूछती है हमसे बार बार कि डॉक्टर साहब, मैं सुबह उठते ही क्या खाऊं जिससे मुझे नौजिया नहीं हो, मेरा वॉमिटिंग कम हो जाए और मुझे कुछ एनर्जी मिल पाए। तो मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, आज आपको सुबह उठते आप क्या खा पाएंगे इन प्रेगनेंसी डिस्कस करने जा रही हूँ। बने रहिए हमारे साथ इस पूरे वीडियो में आखिर तक। तो जैसे ही लेडी प्रेग्नेंट होती है उसमें प्रोजेस्टेरोन के लेवल बढ़ता है और एक बीटा एसीजी का हार्मोन बढ़ता है। बीटा एसीजी का हार्मोन का लेवल जैसे ही बढ़ता है वो केमिकल फैक्टर रिलीज होता है जिससे कि लेडी को नौजिया फील होता है, यानी उल्टी करने का मन होता है। तो जैसे जैसे वीक्स बढ़ने लगते हैं नौजिया या वॉमिटिंग करने का मन बढ़ने लगता है, लेकिन 12 हफ्ते के बाद ही फिर धीरे धीरे कम होने लगता है और 14 से 16 हफ्ते के आते आते लगभग खत्म हो जाता है। फिर उसकी भूख बढ़ जाती है, वो नॉर्मल खाना खा पाती है, लेकिन 6 से 12 हफ्ते का जो पीरियड होता है वो 1.5 महीना निकालना काफी मुश्किल हो जाता है। और कई लेडीज को तो इतनी ज्यादा वॉमिटिंग्स होती हैं कि वो कुछ भी नहीं खा पाती हैं। तो जो हमारी सबसे पहली सलाह रहती है ऐसी लेडीज को कि खाना वही है जो आपका मन करे, यानी कि अभी फ्रेंड्स के या मम्मी के या सिस्टर के या मौसी के या नानी के कहने से हमें कुछ नहीं खाना है, हमें सिर्फ वो खाना है जो हमारा मन कह रहा है, किसी और का कहा नहीं मानना है। यानी कि यदि आपका मन करता है कि मुझे खट्टा खाना है तो आप अच्छे से एक जच्चा के खट्टा खाइए, कोई इश्यू नहीं। आपको मीठा खाने का मन करता है आप मीठा खाइए, आपको चटपटा खाना आप चटपटा खा सकती हैं, और आपको लगता है कि नहीं मुझे कुछ जलन है, प्रॉब्लम है, मुझे ब्लैंड फूड खाना, तो आप ब्लैंड फूड भी खा सकती हैं। एज सच डॉक्टर की तरफ से प्रेगनेंसी में खाने पीने की कोई मनाही नहीं होती है और आप सारा खाना अच्छे से खा सकती हैं। किसी किसी को ऑयल से स्मेल आती है, तो यदि आप पहले कोई एक ब्रांड का ऑयल यूज कर रही थी, जैसे कोई सरसों का तेल यूज करता है, तो हो सकता है उनको कोकोनट का ठीक लगे जाए, ओलिव ऑयल अच्छा लग जाए या मूंगफली का तेल अच्छा लग जाए। तो आप डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन आप यूज कर सकती हैं जिससे कि आपको खाना भाने लगे, यानी कि खाने को देख के वॉमिटिंग्स ना हो। क्योंकि बहुत कॉमन है लेडीज को कि जैसे ही प्रेगनेंसी होती है फिर खाना देखते ही उनको उल्टी आने लगती है, तो ऐसा आपके साथ ना हो इसलिए आप खाने का प्रेजेंटेशन भी अच्छा रख सकती हैं जिससे कि आपको उस खाने को मन करे। और यदि सॉलिड खाना नहीं लिया जाता है तो आप लिक्विड ले सकती हैं। लिक्विड में आप दाल का पानी ले सकती हैं, सूप ले सकती हैं, सब्जियों का स्टॉक बना सकती हैं, इसके अलावा आप शेक्स बना सकती हैं, ड्राई फ्रूट्स डाल के और फ्रूट्स डाल के भी आप मिल्क शेक बना सकती हैं जिससे कि आपको प्रॉपर एनर्जी मिलती रहेगी। अब सवाल आता है कि ये चलो हमने दिन में तो खा लिया लेकिन सुबह सुबह क्या खाएं। तो सुबह सुबह की जो सबसे पहली सलाह है कि आप बेड के आसपास ही कोई ड्राई टोस्ट, बिस्किट या मठरी जैसी कोई हल्की चीज रखिए जो सूखी हो, और उठते पहले बिना ब्रश किए भी आप खा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, उसे कोई बीमारी नहीं बनेगी कि अगर आपने बिना ब्रश किए कुछ खा लिया तो और एक पता नहीं क्या ही हंगामा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। डेफिनेटली आप खा सकती हैं, लेकिन यदि आपका मन करता है कि नहीं आपको पहले ब्रश करनी है फिर खाना है तो आप ऐसा भी कर सकती है। बट बहुत सारी लेडीज आके हमें पता है क्या कहती है, हमें ये कहती है कि हमने जैसे ब्रश करने लगते हैं ना हमारी उल्टी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति यदि आपके साथ बन रही है तो फिर ब्रश आप उठते ही मत कीजिए, पोस्टपोन कर दीजिए। आप सिर्फ कुल्ला कर सकती हैं, हल्का गर्म पानी से गरारे कर सकती हैं, और फिर उसके साथ में आप बिस्किट ले सकती हैं। खारे बिस्किट आते हैं, नमकीन बिस्किट आते हैं, अगर वो अच्छे लगते हैं तो वो भी खा सकती हैं। तो जो भी बिस्किट आपको अच्छे लगते हैं वो आप यूज कर सकती हैं। इसके साथ ही आप ड्राई टोस्ट यूज कर सकती हैं, और नहीं तो फ्रूट केक या फ्रूट ब्रेड भी आप यूज कर सकती हैं, और मठरी भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसे ही सुबह सुबह उठते अगर आप थोड़ा सा भी एक दो पीस भी कुछ खाएंगे तो आपका पूरा रात भर का जो खाली पेट है उसके अंदर कुछ एनर्जी जाएगी और कुछ एक्चुअली में आपको सपोर्ट मिलेगा, और नौजिया की संभावनाएं, वॉमिटिंग की संभावनाएं कम हो जाती है। किसी किसी लेडीज को उठते ही चाय पीने की आदत होती है, अगर तो अगर आपको चाय पीने की आदत और आपको एसिडिटी नहीं है और किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हो रही तो डेफिनेटली आप चाय भी पी सकती हैं। और चाय जनरली हम किसी को नहीं बोलते कि आप खाली पेट चाय पीजिए क्योंकि उससे एसिडिटी की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो चाय के साथ आप टोस्ट, बिस्किट या मठरी या और कुछ आप जो भी अच्छा लगता है वो ले सकती हैं जिससे कि सुबह सुबह एनर्जी मिलना बहुत जरूरी होता है और उल्टी की संभावनाएं भी कम हो जाती हैं। इसके साथ ही डॉक्टर एक खाली पेट लेने की गोली भी आप लोगों को देते हैं, तो वो भी आप ले लीजिए जिससे एसिडिटी वगैरह नहीं होगी। और यदि उल्टियां हो रही है तो जो डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की हुई गोली है जो उल्टियां कम करने के लिए दी जाती है वो भी आप फिर सुबह एक दो बिस्किट खाने के बाद ले सकती है जिससे कि जैसे जैसे उस गोली का इफेक्ट आने लगेगा
तो आपका मन ठीक हो जाएगा। फिर इसके बाद में अगर आपने उठने के बाद चाय बिस्किट ले लिया है या टोस्ट ले लिया है तो उसके 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर आप अपना पूरा नाश्ता भी कर लीजिए। और जो नाश्ता करेंगी वो पूरा भर पेट के करने वाला होना चाहिए, यानी कि आपका जितना मन करता है अच्छे से आप पूरा खा सकते हैं, उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप उसमें पराठे भी खा सकते हैं, पोहे खा सकती हैं, उपमा खा सकती हैं। इसके अलावा अगर आप ऑमलेट या अंडा खाना चाहती हैं तो वो भी आप खा सकती हैं। इसके अलावा यदि आपको और कोई चीज ऐसी अच्छी लगती है जो आप खा सकती हैं, बन सकती है, इडली सांभर भी आप आराम से खा सकती हैं, और भी बहुत सारी चीजें जो सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। तो रूटीन है कि ब्रेड टोस्ट ये सब तो आप खा ही सकते हैं, उसमें कोई भी मना ही नहीं है। इसके अलावा किसी को यदि खिचड़ी अच्छी लगती है तो खिचड़ी भी खा सकते हैं, या वेजिटेबल दलिया उपमा भी बना सकते हैं, वेजिटेबल खिचड़ी बना सकते हैं, वो भी आपके अगर खाते हैं तो डेफिनेटली आपको सपोर्ट करेगी। तो इस तरीके से यदि आप सुबह सुबह उठते ही 2 बिस्किट खा लेंगी और उसके बाद में अपना नाश्ता पूरा कर लेंगी तो आपको पूरे दिन भर की एनर्जी मिलती है। और हर 2 घंटे में अगर आप थोड़ा थोड़ा खा लेती हैं बार बार तो आपका जो खाली पेट के कारण आपको नौजिया वॉमिटिंग होता है या जो एसिड बनता है स्टमक के अंदर वो न्यूट्रलाइज होता रहता है और जिससे कि उल्टी की संभावनाएं कम हो जाती हैं। लेकिन फिर भी किसी किसी लेडीज को यदि प्रेगनेंसी के चलते उल्टियां काफी ज्यादा हो रही है तो डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि उल्टियां कर करके हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है जिसकी वजह से बच्चे के विकास पर भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो हमें इस तरीके की रिस्क नहीं लेनी है। यदि वॉमिटिंग्स हो रही हैं तो तुरंत मेडिसिन लेके उन्हें कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि ये नहीं मानना चाहिए कि प्रेगनेंसी है तो वॉमिटिंग होंगी ही होंगी और हम कुछ नहीं कर सकते। आप कुछ नहीं कर सकते बट हम बहुत कुछ कर सकते हैं, इसलिए विश्वास रखिए अपने डॉक्टर के ऊपर, तुरंत उनसे संपर्क कीजिए और जैसे मेडिसिन वो बताते हैं वैसे ही लेनी होती है। जनरली जब भी किसी लेडीज को वॉमिटिंग होती है तो हम लोग हर दवाई के ऊपर टाइम डालकर देते हैं कि ये दवाई इतने बजे लेनी है, ये दवाई इतने बजे लेनी है, उसी टाइम के अकॉर्डिंगली आपको दवाई लेनी होती है जिससे कि वो टाइम फ्रेम का एक जो विंडो होता है वो मैनेज हो जाए, क्योंकि हर दवाई का एक पीक होता है और एक डाउनफॉल होता है। तो जब 2 या 3 दवाइयां एक साथ दी जाती है तो उनको दवाई को मैनेज करके दिया जाता है कि हर दवाई का एक लेवल बना रहे और आपके शरीर में मेडिसिन का लेवल यदि कम नहीं होगा तो आपको नौजिया फील नहीं होगा। तो बहुत स्ट्रैटेजिकली ये दवाइयां दी जाती हैं, इसलिए दवाइयों का सेवन बिल्कुल डॉक्टर की सलाह के साथ करना चाहिए, अपने मन से कुछ नहीं करना चाहिए और जो डॉक्टर बता रहा है उस पर विश्वास करके उसे प्रॉपर लेना चाहिए जिससे कि आप प्रॉपर खा पाएंगी, प्रॉपर एनर्जी मिल पाएगी, आपके बच्चे का ग्रोथ हो पाएगा, क्योंकि यदि आप खाएंगे नहीं तो बच्चे को भी न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, अबॉर्शन होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, शरीर में पानी की कमी हो जाती है, बच्चे में पानी की कमी हो जाती है। हमें इतना बड़ा रिस्क बिल्कुल नहीं उठाना और हम हमारी और हमारे बच्चे की केयर पक्के से करेंगे, आपके साथ मिलके करेंगे, आपका डॉक्टर आपके साथ हमेशा खड़ा है। तो विश्वास कीजिए और हमारे चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक नमस्कार।